आप लोगों ने सेफ मोड का नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली हम सेफ मोड को ज़्यादातर लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। जब भी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, बेसिकली हम सेफ मोड में बूट करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे कि कोई हैंगिंग प्रॉब्लम वगैरह आ गई, कोई ऐप ऐसा है जो अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को हम सेफ मोड में बूट करके ऐप या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन में भी सेम सेफ मोड देखने को मिल जाता है? तो जी हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने किसी भी स्मार्टफोन में जो मैं मेथड बताऊंगा उसका यूज करके आप लोग सेफ मोड में बूट कर सकते हैं एंड अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हैंगिंग प्रॉब्लम हो गया, आपका फोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग सेफ मोड में जाके सब कुछ ये पता लगा सकते हैं। मेरे पास जो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी M21, इसके अंदर आपको सेफ मोड एक्टिवेट करने के लिए सिंपली पावर बटन को प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे पावर ऑफ का जो ऑप्शन है इस पे टैप करके रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, सेफ मोड, टैप टू रिस्टार्ट योर फोन इन सेफ मोड। एक और बात, सेफ मोड को एक्टिवेट करने से पहले आप लोग अपने फोन को जरूर वेरीफाई कर लीजिए, जो आपका वॉल्यूम डाउन का बटन है ना या फिर वॉल्यूम अप का, ये दोनों वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। वरना अगर आप लोग सेफ मोड में गलती से भी बूट कर जाते हैं, देन आपका फोन वापस से रिस्टार्ट नहीं होगा, नॉर्मल मोड आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके ये बटन वगैरह प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। मेरे फोन के सारे बटन प्रॉपरली वर्क करते हैं, इसलिए मैं सेफ मोड में बूट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। फिर टैप कर देना एंड सिंपली थोड़ी देर का वेट करना है, आपका फोन रिस्टार्ट होगा एंड सेफ मोड में आप लोग बूट कर जाएंगे। तो देख सकते हैं मेरा फोन ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे लिखा रहा है सेफ मोड, एज यू कैन सी नीचे कॉर्नर में सेफ मोड। एंड बेसिकली सेफ मोड में होता क्या है कि आपके फोन में जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं, मतलब जितने भी ऐप्स आप लोगों ने इंस्टॉल करे होते हैं, वो सारे अपने आप ही डिसेबल हो जाते हैं। तो मेरे फोन में देख सकते हैं लगभग सारे ही ऐप डिसेबल हो चुके हैं, केवल जो सिस्टम ऐप है वही वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल के कुछ ऐप्स हैं वो वर्क कर रहे हैं एंड यहाँ पे प्ले स्टोर, डायलर, बाकी सारे ऐप डिसेबल हो गया, यहाँ तक कि कैलकुलेटर डिसेबल हो गया, व्हाट्सएप, सैमसंग नोट, वाईटी स्टूडियो, ये देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन डिसेबल हो चुके हैं। केवल जो इनबिल्ट देखने को मिलते हैं वो ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो फायदा क्या होता है कि सेफ मोड में अगर आपका फोन हैंग नहीं करता तो ये आपके फोन की इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है, आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं जो आपके फोन को हैंग कर दे रहे हैं। तो आप लोग सेफ मोड में जाके चीजें वगैरह चेक कर सकते हैं, वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। एंड सेफ मोड से एग्जिट करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस पावर बटन को प्रेस करके रखना है एंड रिस्टार्ट पे टैप कर देना है। ये जब रिस्टार्ट होएगा तो अपने आप ही नॉर्मल मोड में पहुंच जाएंगे आप लोग। तो फाइनली हमारा फोन रिस्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे देखेंगे जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लिखा रहा था सेफ मोड वो अब हट चुका है, मतलब आपका जो फोन है नॉर्मल मोड में रिस्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपके सारे ऐप्स थे, सिस्टम ऐप्स वगैरह एंड जो आपने ऐप इंस्टॉल करे थे, सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। एंड अब बात करते हैं कि आप लोग माइक्रोमैक्स वगैरह में कैसे ऑन करेंगे सेफ मोड। बेसिक सेम वे है, सेफ मोड ऑन करने के लिए माइक्रोमैक्स में भी पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड लिखा आ रहा है रिबूट टू सेफ मोड, सिंपली ओके पे टैप कर देंगे, आपका फोन ये भी रिबूट हो गया सेफ मोड में। तो सेम तरीके से आप लोग किसी भी फोन में आप लोग सेफ मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Xiaomi एंड Poco फोन्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले पावर ऑफ कर लेना है, देन पावर ऑन करते वक्त आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखना है। देन यहां से आप लोग क्या होगा, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, आप लोग डायरेक्टली सेफ मोड में बूट कर जाएंगे। तो ये तरीका बता दिया मैंने पोको फोन्स में, Xiaomi के फोन्स में, बाकी सभी फोन्स में देख सकते हैं सेम तरीका है सेफ मोड में जाने के लिए। सेफ मोड से निकलने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको फोन को रिस्टार्ट कर देना है, वापस से हम नॉर्मल मोड में एंटर कर जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for